21. कुछ मामलों में चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन, 1. जहां किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो धारा 184 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अभिकथन पर कोई मामला रजिस्टर किया गया है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यान को ऐसे खतरनाक रूप से चलाने के कारण, जैसे कि उक्त धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें घोर उपहती कारित की है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में पारित चालान अनुज्ञप्ति का उस तारीख से जिसको मामला रजिस्टर किया जाता है 6 मास की अवधि तक के लिए, या ख यदि ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उन्मोचित या दोषमुक्त किया गया है तो यथास्थिति ऐसे उन्मोचन या दोषमुक्ति तक के लिए निलंबित हो जाएगी। 2. जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित चालान अनुज्ञप्ति उपधारा 1 के उपबंधों के आधार पर निलंबित हो जाती है, वहां वह पुलिस अधिकारी जिसने उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामला रजिस्टर किया है, ऐसे निलंबन की जानकारी उस न्यायालय को देगा जो ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, और तब ऐसा न्यायालय चालान अनुज्ञप्ति को कब्जे में ले लेगा, उस पर निलंबन का पृष्ठांकन करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य की सूचना उस नवीकरण प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था। 3. जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति दोषमुक्त या उन्मोचित किया जाता है, वहां न्यायालय चालान अनुज्ञप्ति के निलंबन के संबंध में ऐसी चालान अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को रद्द करेगा। 4. यदि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में कोई चालान अनुज्ञप्ति उपधारा 1 के अधीन निलंबित की जाती है, तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए विवर्जित किया जाएगा जब तक कि चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन प्रवृत्त रहता है। 22. दोष सिद्धि पर चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण 1. धारा 20 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां धारा 21 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यान को ऐसे खतरनाक रूप से चलाने के कारण, जैसा कि धारा 184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहती कारित करने के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालान अनुज्ञप्ति को, जहां तक वह उस वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में है, ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। 2. धारा 20 की उपधारा 2 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति जो धारा 185 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध किया जा चुका है, उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तो ऐसी पश्चातवर्ती दोष सिद्धि करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालान अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा रद्द करेगा। 3. यदि कोई चालान अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है, तो न्यायालय चालान अनुज्ञप्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लेगा, उस पर यथास्थिति रद्दकरण या निलंबन का पृष्ठांकन करेगा और इस प्रकार पृष्ठांकित चालान अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था, और वह प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और निलंबित अनुज्ञप्ति की दशा में अनुज्ञप्ति को निलंबन की अवधि समाप्त हो जाने पर उसके धारक को ऐसी वापसी के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर वापस करेगा।
परंतु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि उसका धारक निलंबन की अवधि समाप्त होने के पश्चात उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था समाधानप्रद रूप में धारा 9 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट यान चलाने की सक्षमता का परीक्षण नए सिरे से नहीं दे देता तथा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता और धारा 8 की उपधारा 3 में यथा निर्दिष्ट प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता। 4. यदि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए विवर्जित हो जाएगा जब तक चालन अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन प्रवृत्त रहता है। 23. निरर्हता आदेश का प्रभाव। 1. ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत धारा 19 या धारा 20 के अधीन कोई निरर्हता आदेश दिया गया है उस सीमा तक और उतनी अवधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से विवर्जित रहेगा और आदेश की तारीख को यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई चालन अनुज्ञप्ति धारित है तो वह उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावशील न रहेगी। 2. धारा 20 के अधीन दिए गए निरर्हता आदेश का प्रवर्तन उस आदेश के विरुद्ध अथवा उस दोष सिद्धि के विरुद्ध जिसके फलस्वरूप वह आदेश दिया गया था अपील के लंबित रहने के दौरान तब तक निलंबित या मुलतवी नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील न्यायालय वैसा निर्देश न दे। 3. कोई व्यक्ति जिसकी बाबत कोई निरर्हता आदेश दिया गया है उस आदेश की तारीख से 6 मास की समाप्ति के पश्चात किसी समय उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया था निरर्हता हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा तथा यथास्थिति वह न्यायालय या प्राधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो निरर्हता आदेश को रद्द कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा। परंतु जहां न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस धारा के अधीन निरर्हता के किसी आदेश को रद्द करने या उसमें कोई परिवर्तन करने से इनकार करता है वहां उसके अधीन दूसरे आवेदन को ऐसे इनकार किए जाने की तारीख से 3 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ग्रहण नहीं किया जाएगा। 24. पृष्ठांकन 1. वह न्यायालय या प्राधिकारी जिसने निरर्हता का आदेश दिया है निरर्हता के आदेश की तथा उस अपराध के लिए दोष सिद्धि की जिसके संबंध में निरर्हता का आदेश दिया गया है विशिष्टियां उस चालन अनुज्ञप्ति पर यदि कोई हो पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा जो निरर्हित व्यक्ति द्वारा धारित है तथा धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन दिए गए निरर्हता के आदेश को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने की विशिष्टियां भी उसी प्रकार पृष्ठांकित की जाएंगी। 2. जिस न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए चाहे ऐसी दोष सिद्धि के संबंध में निरर्हता का आदेश दिया गया हो या नहीं ऐसी दोष सिद्धि की विशिष्टियां उस चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा जो दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति द्वारा धारित है। 3. जो व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन विहित किसी अपराध के लिए अभियुक्त है वह न्यायालय में हाजिर होते समय अपनी चालन अनुज्ञप्ति यदि वह उसके पास हो अपने साथ लाएगा। 4. जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है वहां दंडादेश अधिनिर्णीत करने वाला न्यायालय संबंधित व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति पर ऐसे दंडादेश के तथ्य को पृष्ठांकित करेगा और अभियोजन प्राधिकारी ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी या अंतिम बार नवीकृत की थी। 5.
जब चालान अनुज्ञप्ति किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित की जाती है या पृष्ठांकित कराई जाती है, तब ऐसा न्यायालय पृष्ठांकन की विशिष्टियां उरा अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा जिराने चालान अनुज्ञप्ति दी थी या अंतिम बार नवीकृत की थी। 6. जहां किसी न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि या आदेश के विरुद्ध जो चालान अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है, किसी अपील में अपील न्यायालय दोष सिद्धि या आदेश में परिवर्तन कर देता है या उसे अपास्ट कर देता है, वहां अपील न्यायालय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसने चालान अनुज्ञप्ति दी थी या अंतिम बार नवीकृत की थी, और ऐसा प्राधिकारी पृष्ठांकन में संशोधन करेगा या संशोधन करवाएगा। 25. पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालान अनुज्ञप्ति का दिया जाना। 1. किसी चालान अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को उसके धारक द्वारा अभिप्राप्त चालान अनुज्ञप्ति की किसी नई या दूसरी प्रति पर तब तक उतारा जाएगा जब तक कि धारक इस धारा के उपबंधों के अधीन पृष्ठांकन रहित चालान अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाता। 2. जहां यह अपेक्षित है कि चालान अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया जाए और वह चालान अनुज्ञप्ति उस न्यायालय या प्राधिकारी के पास नहीं है जिसके द्वारा पृष्ठांकन किया जाना है वहां। यदि वह व्यक्ति जिसकी बाबत पृष्ठांकन किया जाना है उस समय किसी चालान अनुज्ञप्ति का धारक है, तो वह उस चालान अनुज्ञप्ति को न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष 5 दिन के भीतर या इतने अधिक समय के भीतर पेश करेगा जितना न्यायालय या प्राधिकारी नियत करे, या यदि उस समय वह चालान अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है किंतु वह उसके पश्चात चालान अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करता है, तो वह उस चालान अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने के पश्चात 5 दिन के भीतर उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा। और यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर चालान अनुज्ञप्ति पेश नहीं की जाती तो वह उक्त समय की समाप्ति पर तब तक प्रभावहीन रहेगी जब तक वह पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए पेश नहीं कर दी जाती। 3. जिस व्यक्ति की चालान अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन किया गया है, यदि ऐसे पृष्ठांकन के पश्चात लगातार 3 वर्ष की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन का आदेश नहीं किया गया है, तो वह अपनी चालान अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने पर और 5 रुपए की फीस देने पर ऐसी नई चालान अनुज्ञप्ति जिसमें कोई पृष्ठांकन न हो प्राप्त करने का हकदार होगा। परंतु यदि पृष्ठांकन धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करने वाले अपराध की बाबत ही है, तो ऐसा व्यक्ति पृष्ठांकन की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति पर ऐसी नई चालान अनुज्ञप्ति जिसमें कोई पृष्ठांकन न हो प्राप्त करने का हकदार होगा। परंतु यह और कि क्रमशः 3 वर्ष और 1 वर्ष की उक्त अवधि की गणना करने में वह अवधि आवर्जित की जाएगी जिसके दौरान उक्त व्यक्ति चालान अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्ह कर दिया गया था। 26. राज्य चालान अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना। 1. प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अकुलान प्राधिकारियों द्वारा दी गई और नवीकृत चालान अनुज्ञप्तियों की बाबत एक रजिस्टर रखेगी जो राज्य चालान अनुज्ञप्ति रजिस्टर के रूप में ज्ञात होगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात चालान अनुज्ञप्तियों के धारकों के नाम और पते, बी लाइसेंस संख्या, ग अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण की तारीख, घ अनुज्ञप्तियों की समाप्ति की तारीख, अग ग्रानों के वर्ग और प्रकार जो चलाए जाने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, और च ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केंद्रीय सरकार विहित करे। 2. प्रत्येक राज्य सरकार राज्य चालान अनुज्ञप्ति रजिस्टर की मुद्रित प्रति या ऐसे अन्य प्रारूप में प्रति जिसकी केंद्रीय सरकार अपेक्षा करे,
केंद्रीय सरकार को प्रदत्त करेगी और ऐसे रजिस्टर में समय समय पर किए गए सभी परिवर्तनों और अन्य संशोधनों के बारे में अविलंब केंद्रीय सरकार को सूचित करेगी। 3. राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर ऐसी रीति में रखा जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। 27. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी। 2. धारा 2 की उपधारा 2 के अधीन ई गाड़ी और ई रिक्शा से संबंधित विनिर्देश। धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट शर्तें। उस प्रारूप की जिसमें शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा, वह जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होगी और उन दस्तावेजों का जो धारा 8 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। उपबंध करना। धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रारूप का उपबंध करना। धारा 8 की उपधारा 5 में निर्दिष्ट परीक्षण के लिए विशिष्टियों का उपबंध करना। उस प्रारूप का जिसमें चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा, वह जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होगी और उन दस्तावेजों का जो धारा 9 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। उपबंध करना। धारा 9 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण की बाबत विशिष्टियों का उपबंध करना। ऐसी रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए चालन अनुज्ञप्ति धारा 9 की उपधारा 10 के अधीन जारी की जा सकेगी। उन व्यक्तियों की जिनको परिवहन यान चलाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी, न्यूनतम शैक्षिकी अर्हताएं और वह समय जिसके भीतर ऐसी अर्हताएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जानी है, विनिर्दिष्ट करना। धारा 10 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के प्रारूप और अंतर्वस्तु का उपबंध करना। धारा 11 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन के प्रारूप और अंतर्वस्तु का तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रभारित की जाने वाली फीस का उपबंध करना। ऐसी शर्तों का उपबंध करना जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन किए गए आवेदन को धारा 9 लागू होगी। धारा 15 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन के प्रारूप और अंतर्वस्तु का तथा धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों का उपबंध करना। धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकारी का उपबंध करना। धारा 8 की उपधारा 2, धारा 9 की उपधारा 2 और धारा 15 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए और चालन अनुज्ञप्तियों के दिए जाने और नवीकरण के लिए और मोटर यान चलाने में शिक्षा देने वाले विद्यालयों या स्थापनों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियों के दिए जाने और उनके नवीकरण के लिए संदेय फीस विनिर्दिष्ट करना। धारा 19 की उपधारा 1 के खंड च के प्रयोजनों के लिए कार्य विनिर्दिष्ट करना। धारा 24 की उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों को विनिर्दिष्ट करना। धारा 26 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करना। कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या विहित किया जाए। 28. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 1. राज्य सरकार धारा 27 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। 2. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा। क, अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता, नियंत्रण और कृत्य। ख, इस अध्याय के अधीन की जाने वाली अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई, ऐसी अपीलों की बाबत देय फीसें और ऐसी फीसों का वापस दिया जाना। परंतु इस प्रकार नियत की जाने वाली कोई फीस 25 रुपए से अधिक नहीं होगी। ग, किन्हीं खोई, नष्ट या कटी फटी अनुज्ञप्तियों के बदले में दूसरी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, ऐसी फोटो के बदले में जो पुरानी पड़ गई है, नई फोटो रखना और उनके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें। घ, परिवहन यानों के ड्राइवरों द्वारा लगाए जाने वाले बैज और पहनी जाने वाली वर्दी और बैजों के लिए दी जाने वाली फीसें। ग, धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए संदेह फीसें। च, इस अध्याय के अधीन देय सब फीसों को या उनके किसी भाग को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों की छूट। छ, एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को संसूचना। 2000 के कर्तव्य, कृत्य और आचरण जिनकी परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं। झ, रोड रोलरों के ड्राइवरों को इस अध्याय के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब या किन्हीं उपबंधों से छूट। न्य, वह रीति जिसमें राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर धारा 26 के अधीन रखे जाएंगे। त, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। अध्याय 3, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन। 29, कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। 1, कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है, और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है। 2, राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा 1, किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी। 30, कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना। 1, कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिकी अर्हताएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन निरर्हित नहीं है, और जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारवार चलाता है। 2, उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो विहित की जाए। 3, कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और उसके साथ आवेदक की नई फोटो की 2 साफ प्रतियां भी होंगी। 4, इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाए, और वह उस पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई है। 5, कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस चालन अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी। 31,
कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताएं। 1. कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न वह उसे दी जाएगी। 2. अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकेगा। क. यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है। ख. यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है, तथा ग. यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसहृत की गई थी। 32. कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या निःशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है, तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसी भी समय किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी। और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रतिसंहृत करने की संसूचना देगा। परंतु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। 33. कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें। 1. जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इनकार करता है या उसे प्रतिसंहृत करता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति आवेदक या धारक को दी जाएगी और जिसमें ऐसे इनकार या प्रतिसंहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। 2. उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिसने वह आदेश दिया था। 34. अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरर्हित करने की शक्ति 1. यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि कंडक्टर के रूप में किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक के पूर्वाचरण के कारण यह आवश्यक है कि उसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने अथवा अभिप्राप्त करने से निरर्हित कर दिया जाए, तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उस व्यक्ति को कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न होगी निरर्हित करने का आदेश दे सकेगा। परंतु अनुज्ञप्ति के धारक को निरर्हित करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। 2. ऐसे किसी आदेश के दिए जाने पर यदि कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है, तो वह उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा जिसने वह आदेश दिया है और वह प्राधिकारी उस अनुज्ञप्ति को तब तक अपने पास रखे रहेगा जब तक निरर्हता समाप्त नहीं हो जाती या हटा नहीं दी जाती। 3. जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक को इस धारा के अधीन निरर्हित करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को ऐसी निरर्हता के तथ्य की सूचना देगा। 4. उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा जिसने वह आदेश दिया था। 35. न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति। 1. जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोष सिद्ध किया है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार दोष सिद्ध किया गया है कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने से उतनी अवधि के लिए जितनी वह न्यायालय विनिर्दिष्ट करे निरर्ह घोषित कर सकेगा। 2. वह न्यायालय जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए हुई किसी दोष सिद्धि की अपील होती है निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निरर्हता के किसी आदेश को अपास्ट कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा, और वह न्यायालय जिसमें मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय से अपीलें होती हैं, उस न्यायालय द्वारा दिए गए निरर्हता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्ट कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती जिसके संबंध में वह आदेश दिया गया था। 36. अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना धारा 6 की उपधारा 2, धारा 14, धारा 15 और धारा 23, धारा 24 की उपधारा 1 और धारा 25 के उपबंध कंडक्टर अनुज्ञप्ति के संबंध में यथासंभव वैसे ही लागू होंगे जैसे वे चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते हैं। 37. व्यावृत्तियां यदि मंजिली गाड़ी के चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति किसी राज्य में दी जाती है और वह इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रभावी है तो ऐसे प्रारंभ के होते हुए भी वह उस अवधि के लिए प्रभावी बनी रहेगी जिसके लिए वह उस दशा में प्रभावी होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता और ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन ऐसे दी गई अनुज्ञप्ति है मानो यह अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त था जिस तारीख को वह अनुज्ञप्ति दी गई थी। 38. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। 2. पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा। क. इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति अधिकारिता नियंत्रण और कृत्य। ख. वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कंडक्टर के कृत्यों का पालन करने वाले मंजिलों गाड़ियों के ड्राइवरों को और कंडक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियोजित व्यक्तियों को धारा 29 की उपधारा 1 के उपबंधों से छूट दी जा सकेगी। ग. कंडक्टरों की न्यूनतम शैक्षिकीय अर्हताएं उनके कर्तव्य और कृत्य और उन व्यक्तियों के आचरण जिनको कंडक्टर अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। घ. कंडक्टर अनुज्ञप्तियों के लिए अथवा ऐसी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए आवेदन के प्रारूप और वे विशिष्टियां जो उसमें हो सकेंगी। घ. वह प्रारूप जिसमें कंडक्टर अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी या उनका नवीकरण किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो उसमें हो सकेंगी। च. किन्हीं खोई नष्ट या कटी फटी अनुज्ञप्तियों के बदले में दूसरी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना ऐसी फोटो के बदले में जो पुरानी पड़ गई है नई फोटो रखना और उनके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें। 6. इस अध्याय के अधीन की जाने वाली अपीलों का संचालन और उनकी सुनवाई ऐसी अपीलों की बाबत देय फीसें और ऐसी फीसों का वापस दिया जाना परंतु इस प्रकार नियत की जाने वाली कोई फीस 25 रुपए से अधिक नहीं होगी।
ज मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी और लगाए जाने वाले बैज और ऐसे बैजों के लिए दी जाने वाली फीसें। झ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा धारा 30 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रमाण पत्रों का दिया जाना और ऐसे प्रमाण पत्रों के प्ररूप। ञ वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्य में दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति राज्य में प्रभावी होगी। ट कंडक्टर अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों की एक प्राधिकारी से अन्य प्राधिकारियों को संसूचना और थ कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। अध्याय 4 मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण। 39 रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटरयान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान को लागू नहीं होगी। 40 रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है। धारा 42 धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या काबार का स्थान है जहां की यान आमतौर पर रखा जाता है। 41 रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है। 1 मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसी दस्तावेजें विशिष्टियां और जानकारी दी हुई होंगी और वह ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। परंतु जहां मोटर यान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामिवाधीन है वहां आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदक को ऐसे मोटर यान का स्वामी समझा जाएगा। 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 3 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटरयान के जिसे उसने रजिस्टर किया हो स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में देगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी दी हुई होंगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 4 रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में सम्मिलित की जाने के लिए अपेक्षित अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त वह उस मोटर यान का प्रकार भी विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसे प्रकार का है जिसे केंद्रीय सरकार मोटरयान के डिजाइन निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 5 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की विशिष्टियां एक रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा जिसे ऐसे प्रारूप और रीति में रखा जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 6 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान में प्रदर्शित किए जाने के लिए उस यान को इस अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट एक पहचान चिन्ह देगा जो ऐसे अक्षर समूहों में से किसी एक समूह से मिलकर बनेगा और उसके पश्चात ऐसे अक्षर और अंक होंगे जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य को समय समय पर आवंटित करती है और उन्हें मोटर यान पर ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में प्रदर्शित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 7 इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के बारे में उपधारा 3 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण पत्र के दिए जाने की तारीख से केवल 15 वर्ष की अवधि तक विद्यमान रहेगा
और उसका नवीकरण किया जा सकेगा। 8. परिवहन यान से भिन्न मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 9. उपधारा 8 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 10. धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 8 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा और उस तथ्य की सूचना, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा। 11. यदि स्वामी यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन आवेदन विहित कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, 100 रुपये से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा 13 के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। परंतु धारा 177 के अधीन कार्रवाई स्वामी के विरुद्ध तब की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहा हो। 12. जहां स्वामी ने उपधारा 11 के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहां धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी। 13. उपधारा 11 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उपधारा 1 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रकमें विहित कर सकेगी। 14. रजिस्ट्रीकरण का दूसरा प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए आवेदन अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां और जानकारी होंगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 42. राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध 1. जहां किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा 41 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है, वहां उस धारा की उपधारा 3 या उपधारा 6 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान को ऐसी रीति से और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा 3 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए तथा उन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस यान पर प्रदर्शित करने के लिए उसे एक विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा तथा इस बात का प्रमाण पत्र, जिसे इस धारा में इसके पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कहा गया है, देगा कि वह यान इस धारा के अधीन रजिस्टर कर दिया गया है और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान जब तक किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी की संपत्ति बना रहता है, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा। 2. यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसलीय अधिकारी की संपत्ति नहीं रहता है तो इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी प्रभावी नहीं रहेगा और तब धारा 39 और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे। 3. केंद्रीय सरकार राजनयिक अधिकारियों और कौंसलीय अधिकारियों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे यानों को रजिस्टर करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में, उस प्रारूप के बारे में जिसमें ऐसे यानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र दिए जाने हैं, उस रीति के बारे में जिससे ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उन यानों के स्वामियों को
भेजे जाने हैं और ऐसे यानों के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के बारे में नियम बना सकेगी। 4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजनयिक अधिकारी या कौंसलियर अधिकारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार ने उस रूप में मान्यता प्रदान की है, और यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति ऐसा अधिकारी है या नहीं, तो उस प्रश्न पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। 45. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण 1. धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी विहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लिए और बेहद रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। 2. इस धारा के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और नवीकरणीय नहीं होगा, परंतु जहां इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान चेसिस है जिसमें कोई बाड़ी नहीं लगाई गई है और जिसमें बाड़ी लगाने के लिए या स्वामी के नियंत्रण के बाहर अकल्पित परिस्थितियों में उसे कर्मशाला में एक मास की उक्त अवधि से आगे रखा जाता है, वहां ऐसी फीस यदि कोई हो जो विहित की जाए देने पर उस अवधि को इतनी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ाया जा सकेगा जो यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे। 3. उस दशा में जिसमें मोटर या नव क्रय करार पट्टे या मान के अधीन धारित है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र देगा जिसमें उस व्यक्ति का जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है पूरा नाम और पता सुपाठ्य और प्रमुख रूप में दिया जाएगा। 44. रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर करने के संबंध में या परिवहन यान से भिन्न मोटर यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति से जिसने यथास्थिति उस यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन किया है, यह अपेक्षा करेगा कि वह उस यान को या तो स्वयं उसके समक्ष अथवा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पेश करे जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्त करे, जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपना ये समाधान कर सके कि आवेदन में दी हुई विशिष्टियां सही हैं और वह यान इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। 45. रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण से इनकार रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटर यान परिवहन यान से भिन्न की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने से उस दशा में इनकार कर सकता है यदि इन दोनों में से किसी भी दशा में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मोटर यान चुराया हुआ है या वह यान यांत्रिक रूप से खराब है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है या यदि आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है या यथास्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में गलत विशिष्टियां देता है और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान के रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाता है या जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया है, ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे इनकार या नामंजूरी के कारणों सहित देगा। 46. रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता धारा 47 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे मोटर यान की बाबत जो किसी राज्य में इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है
यह अपेक्षित न होगा कि उसे भारत में अन्यत्र रजिस्टर कराया जाए और ऐसे यान की बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भारत में सर्वत्र प्रभावशील होगा। 47. दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना। 1. जब कोई मोटर यान जो एक राज्य में रजिस्ट्रीकृत है दूसरे राज्य में 12 मास से अधिक अवधि के लिए रखा गया है, तब उस यान का स्वामी नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसकी अधिकारिता में वह यान उस समय है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। परंतु इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा। आय धारा 48 के अधीन अभिप्राप्त आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र या ई उस दशा में जहां ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है वहां का धारा 48 की उपधारा 2 के अधीन प्राप्त रसीद या ख यदि यान के स्वामी ने इस निमित्त आवेदन धारा 48 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है तो उसके द्वारा प्राप्त डाक रसीद जिसके साथ यह घोषणा होगी कि उसे ऐसे प्राधिकारी से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ऐसा प्रमाण पत्र दिए जाने से इनकार किया गया है या उससे ऐसे किसी निर्देश का पालन करने की अपेक्षा की गई है जिसके अधीन ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां मोटर या नव क्रय पट्टा या मान करार के अधीन धारित है वहां इस उपधारा के अधीन आवेदन के साथ उस व्यक्ति का आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र होगा जिससे ऐसा करार किया गया है और ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ ऐसा करार किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने की बाबत धारा 51 के उपबंध जहां तक हो सके लागू होंगे। 2. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसको उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है धारा 62 के अधीन प्राप्त विवरणियों का यदि कोई हो ऐसा सत्यापन करने के पश्चात जो वह ठीक समझे उस यान पर तब से प्रदर्शित और दर्शित किए जाने के लिए धारा 41 की उपधारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस यान को देगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को आवेदक को लौटाने के पूर्व उस पर वह चिन्ह दर्ज करेगा और उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार करके जिसके द्वारा वह यान उससे पूर्व रजिस्टर किया गया था उस यान के रजिस्ट्रीकरण को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेखों से अपने अभिलेखों में अंतरित करा लेने की व्यवस्था करेगा। 3. जहां मोटर यान अवक्रय या पट्टा या मान करार के अधीन धारित है वहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस मोटर यान को उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के पश्चात उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने अवक्रय या पट्टा या आडमान करार किया है उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के तथ्य की जानकारी ऐसे व्यक्ति के उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट है रसीदी रजिस्ट्री डाक से ऐसे व्यक्ति को सूचना भेज कर देगा। 4. राज्य सरकार धारा 65 के अधीन ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें उस राज्य में रजिस्टर न किए गए ऐसे मोटर यान के स्वामी से जो उस राज्य में लाया जाता है या उस समय वहां है यह अपेक्षा की जाए कि वह उस राज्य के विहित प्राधिकारी को उस मोटर यान और उसके रजिस्ट्रीकरण के बारे में ऐसी जानकारी दे जैसी विहित की जाए। 5. यदि स्वामी विहित अवधि के भीतर उपधारा 1 के अधीन आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए 100 रुपए से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा
सेवन के अधीन विहित की जाए संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, परंतु धारा 177 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है। छह, जहां स्वामी ने उपधारा 5 के अधीन रकम का संदाय कर दिया है वहां उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सात, उपधारा 5 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए विलंब की कालावधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रकमें विहित कर सकेगी। 48, आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र 1, किसी मोटर यान का स्वामी धारा 47 की उपधारा 1 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करते समय या जहां किसी मोटर यान को उसके रजिस्ट्रीकरण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में अंतरित किया जाना हो वहां ऐसे यान का अंतरक धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन अंतरण की रिपोर्ट करते समय उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने यान को रजिस्ट्रीकृत किया था एक आवेदन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए इस प्रभाव का प्रमाण पत्र जिसे इस धारा में इसके पश्चात आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र कहा गया है जारी करने के लिए कहेगा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यथास्थिति यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियां प्रविष्ट करने पर कोई आक्षेप नहीं है। 2, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर एक रसीद ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 3, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर ऐसी जांच करने और ऐसे आवेदक से ऐसे निर्देशों का जो वह ठीक समझे अनुपालन करने की अपेक्षा करने के पश्चात और आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदक को लिखित आदेश द्वारा संसूचित करेगा कि उसने आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र दे दिया है या देने से इनकार कर दिया है। परंतु कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध न कर दे और उसकी एक प्रति आवेदक को न दे दी गई हो। 4, जहां उपधारा 3 में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार की संसूचना नहीं देता है वहां ये समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। 5, आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र देने या देने से इनकार करने के पूर्व रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी पुलिस से इस बात की लिखित रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि संबंधित मोटर यान की चोरी के संबंध में किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है या कोई मामला लंबित नहीं है और यह सत्यापित करेगा कि क्या उस मोटर यान की बाबत सरकार को देय सभी रकमों का जिसके अंतर्गत सड़क कर भी है संदाय कर दिया गया है और ऐसी अन्य बातों पर विचार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। 6, यान का स्वामी अपने यान की चोरी के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यथाशीघ्र लिखित सूचना भी देगा जिसमें उस पुलिस थाने का नाम भी होगा जहां चोरी की रिपोर्ट की गई थी और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आक्षेप न होने प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण स्वामित्व के अंतरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए किसी आवेदन का निपटारा करते समय ऐसी रिपोर्ट पर ध्यान देगा। 49, निवास स्थान या काबार के स्थान का परिवर्तन 1, यदि किसी मोटर यान का स्वामी उस स्थान पर जिसका पता यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित है
निवास करना छोड़ देता है या अपने काबार का स्थान बंद कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन के 30 दिन के अंदर अपने नए पते की सूचना ऐसे प्रारूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया था या यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को भी। यथास्थिति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेज देगा जिससे नया पता उसमें प्रविष्ट किया जा सके। दो, यदि मोटरयान का स्वामी संबद्ध रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अपने नए पते की सूचना उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए 100 रुपए से अनधिक उतनी रकम का जो उपधारा 4 के अधीन विहित की जाए संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। परंतु धारा 177 के अधीन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल। 3, जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 2 के अधीन रकम का संदाय कर दिया है वहां उसके विरुद्ध धारा 177 के अधीन कोई रहता है कार्रवाई नहीं की जाएगी। 4, उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अपने नए पते की सूचना देने में हुए विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रकमें विहित कर सकेगी। 5, उपधारा 1 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसा सत्यापन करने के पश्चात जो वह ठीक समझे नए पते को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट करवाएगा। 6, मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से भिन्न रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जो ऐसी प्रविष्टि करता है परिवर्तित पते की संसूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा। 7, उपधारा 1 की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित पते में परिवर्तन ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हुआ है जिसकी अवधि 6 मास से अधिक होनी आश्रित नहीं है या जब मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित पते पर न तो उपयोग किया जाता है और न वहां से हटाया जाता है।